आज पढ़ने वाले हैं विज्ञान के कुछ ऐसे ही प्रश्नों के बारे में। तो आइए बात करते हैं विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले हैं हर कम्पिटिटिव एग्जाम में, जो बहुत बार आ चुके हैं और आर भी आने वाले हैं। चकुंदर बीट का पौधा खालिस्तान हिस्सा है, यानी चकुंदर बीट पौधे का कौन सा हिस्सा होता है? तो इसका जो आंसर है वो ए होगा, मुख्य जड़ होती है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो वर्गीकरण का जनक है वो कोरेलस लीनियस को कहा जाता है। इसका आंसर बी होगा। अगर नाम में कोई दिक्कत है तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा, शायद गलत टाइप हो गया होगा, लेकिन इसका सही आंसर बी है, कोरेलस लीनियस। देखिए जो अगला प्रश्न है वो है, भारतीय बोटनिकल गार्डन खालिस्तान में स्थित है, यानी कि जो भारतीय बोटनिकल गार्डन है वो कहाँ स्थित है? देखिए दोस्तों, आपको बता दूँ कि भारतीय बोटनिकल जो गार्डन है बहुत ही ज़्यादा फेमस है, वो है कोलकाता में है। वो इतना बड़ा एक पेड़ है वहाँ पर बरगद का, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इसका आंसर होने वाला है बी। देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो है, एनुअल रिंग के अध्ययन को कहा जाता है, एनुअल रिंग होता है उसके अध्ययन को कहा जाता है। एनुअल रिंग आपने पढ़ा होगा, यानी कि वार्षिक वलय होती है, उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? उसके अध्ययन को कहा जाता है वृक्ष वलय कालक्रम। इसका आंसर बी है, वो राइट होगा। पौधे की आंतरिक संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है, यानी कि जो पौधा है उसके आंतरिक संरचना को क्या कहा जाता है? एनाटोमी या शारीरिकी, एक ही बात है। इसका आंसर सी सही होगा। देखिए, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके तहत कवक का अध्ययन किया जाता है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके तहत कवक का अध्ययन किया जाता है, कवक यानी कवक विज्ञान बी। स्तनधारियों में जो दिल होता है उसमें कक्षों की संख्या, दिल यानी हार्ट हृदय, उसमें कक्षों की संख्या चार होती है, दायां नीले बायां नीले चार हो गए, चार कक्ष होते हैं उसमें। देखिए, नए पैदा हुए मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या क्या होती है? हड्डियों में कुल संख्या कितनी होती है? देखिए, नए पैदा हुए मानव या बच्चा होता है उसमें कुल हड्डियों की संख्या 300 होती है, जिसका आंसर डी सही होगा, जो बाद में 206 हो जाती है, जो सारी हड्डियाँ मिलके। मानव शरीर की कौन सी हड्डी सबसे लंबी हड्डी होती है? मानव शरीर की जांघ की जो हड्डी होती है, जिसे हम फीमर कहा जाता है, वो सबसे लंबी हड्डी है। सबसे छोटी अगर पूछ ले तो कान की जो होती है स्टेपिस, वो सबसे छोटी हड्डी होती है। हार्मोन जो पाचन रस के उत्पादन के लिए पेट को उत्तेजित करता है, कौन सा हार्मोन है जो पाचन रस के उत्पादन के लिए पेट को उत्तेजित करता है? वो होता है गैस्ट्रिन। ए इसका आंसर सही होगा। मानव शरीर में आरबीसी गठन की साइट, यानी मानव शरीर में आरबीसी का जो निर्माण है वो कहाँ होता है, कौन करता है उसका गठन, कौन करता है, साइट कौन सी है वो? तो इसका आंसर डी होगा, मज्जा है वो आरसीबी का गठन करती है। मानव शरीर का पीएच कितना होता है? मानव शरीर का पीएच होता है, वो होता है 7.4। इसका आंसर ए सही होगा। वॉटसन और क्रिक के डबल हेलिक्स मॉडल को किस रूप में जाना जाता है? cDNA, bDNA, zDNA, dDNA, कौन सा DNA? तो इसका सही आंसर होगा bDNA। सेल चक्र का सही अनुक्रम क्या है? देखिए, सेल चक्र यानी सेल होता है ना, जो बैटरी होती है सेल, उसका सही चक्र क्या होता है? सही चक्र होता है सी, आंसर है G1, S, G2, M। ये एक सीक्वेंस है, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, जैविक झिल्लियाँ निर्मित होती है, जो जैविक झिल्लियाँ होती है वो किससे निर्मित होती है? जैविक झिल्लियाँ है वो 60% प्रोटीन और 40% लिपिड से निर्मित होती है। देखिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, आगे भी ऐसे ही प्रश्न लाता रहूँगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा।